ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान के जोधपुर के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय उम्मीद अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में महिला का ऑपरेशन करने के बजाय दो डॉक्टर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद नवजात की मौत की खबर सामने आई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सर्राफ ने जानकारी दी है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, बच्चे की मौत को अफवाह बताया। बच्चे की मौत का हवाला देते हुए कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला, तो वहीं वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। एक टेबल पे नसीम बानू की डिलीवरी हुई, जो ये जो प्रकरण बता रहे हैं झगड़ा जो हुआ वो डिलीवरी हुई और उसमें वो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अपने अतिरिक्त निर्देशक हैं कलेक्टरी में, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मानाराम पटेल, उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें मानाराम पटेल हैं और डॉक्टर नीता मीणा वरिष्ठ आचार्य PSM अतिरिक्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज जोधपुर है अधीक्षक। ये तीनों जो कमेटी बनाई है वो कल शाम तक रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पे और भी यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो घटना हुई है किस तरह की निंदा करते हैं इस प्रकार की घटना? अक्षम्य है और इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये शर्मनाक। को गंभीरता ली तो उसको एक्शन क्या किया आपने? एक्शन मैंने जैसा बताया कि हमने इसमें एक डॉक्टर जो थे गायनेकोलॉजिस्ट मिस्टर नोनीवाल, उनको हमने बर्खास्त कर दिया है क्योंकि वो। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने जोधपुर में उम्मीद अस्पताल में हुए डॉक्टर के पेशे को शर्मसार करने वाला मामला बताया। प्रदेश की लचर चिकित्सकीय व्यवस्था के कारण रोजाना ऐसी घटनाएं होती है जिससे प्रदेश की साख पर बट्टा लग रहा है। भिलवाड़ा जिले के आसिंद में सवाई भोज देवनारायण मंदिर में प्रदेश के दो बड़े नेता धुर विरोधी एक साथ नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भूदेव दास की अंत्येष्टि में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज को लेकर मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आपदा राहत के लिए संकेत दिए हैं वो उत्साहजनक हैं। जयपुर के जेके लर्न अस्पताल में एक बच्चे की मौत स्वाइन फ्लू से हो गई। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 3 दिनों में 2 की मौत स्वाइन फ्लू से हो गई। इस साल अगस्त में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 450 से भी अधिक पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया है, इस कारण स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदयपुर दौरे के बाद प्रदेश बीजेपी काफी उत्साहित है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी की सभाओं में जितनी भीड़ जुटती है वो मोदी की सभाओं की 10% भी नहीं होती। भूतों न भविष्यत इस प्रकार की सभा माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उदयपुर में रही। आदिवासी और गरीब लोग उमड़ घुमड़ कर आए और जिस उत्साह से प्रधानमंत्री जी का खैर मकदम आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों ने किया, इस बात को सिद्ध कर रहा है कब इस पूरे विश्व के अंदर गरीब के मसीहा के रूप में, गरीब के विश्वास केंद्र के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को गरीब देख रहा है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने दरबार लगाया, जहां जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी। मंत्री ने जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में पंचायती राज से जुड़ी समस्या समेत हाल ही में आए प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी समस्या थी, जिनका संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर निराकरण किया गया। सरकार के प्रकरण आए वो लगभग पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रकरण थे, कुछ सरपंचगणों की जांच और जांच की लंबित रहने की शिकायत भी थी। मैंने संबंधित CEOs को आवश्यक निर्देश टेलीफोन पर दिए हैं। कुछ राज्य स्तर के मामले थे, विशेष तौर पर इस बार बाढ़
से जिन स्थानों पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, झूली फ्लोरा उस बाढ़ के नदी के बहाव क्षेत्र में आने के कारण से नदी का बहाव क्षेत्र बदल गया। उस नाते आज हम नीतिगत निर्णय लेंगे कि परंपरागत रूप से जो नदी का बहाव क्षेत्र है उसमें झूली फ्लोरा खड़ा है। जयपुर में कांग्रेस आईटी सेल की बैठक हुई, जहां सोशल मीडिया पर कांग्रेस को मजबूती देने पर चर्चा की गई। वहीं आईटी सेल कांग्रेस प्रदेश संयोजक दानिश अबरार ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। आईटी सेल की बैठकें हर महीने में एक रूटीन की प्रक्रिया है, जिसमें हर महीने बैठक होती है, सभी साथियों को बुलाया जाता है, जिससे कि हर जिले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका फीडबैक ले सके और आगे की रूपरेखा बना सके। तो ये हमारी रूटीन की हर महीने की बैठक है और रूटीन की बैठक में अब हमारा आईटी सेल ब्लॉक स्तर पर अपना एक्सपेंशन करने जा रहा है, उस विषय को लेकर बैठक बुलाई गई। जयपुर बजाज नगर पुलिस ने एक ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। शातिर पंकज कुमार जाटव खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को फोन कर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने की बात कहकर पैसे ऐंठता था। इसी दौरान शातिर ने एक युवक से 80,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर आरोपी ठग को गिरफ्तार किया। जयपुर के सीकर राजमार्ग के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक निजी बस में आग लग गई। गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बस में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी में निजी कंपनी में एक लूट की घटना हुई। कंपनी के 3 कर्मचारियों को बेखौफ 10 बदमाशों ने कमरे में बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद हमलावर कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गए। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, हजारों की नकदी, मोबाइल और कई किलो तांबा लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। और उन्होंने मुंह के दुपट्टा बांध रखा था, जब सकल विषय तरह पता नहीं चल पा रही। तुमने अधिकारियों को फोन किया नहीं रात को? मोबाइल ले गए सर, हमारे 2 मोबाइल थे, प्रस्ता पैसे वैसे सब निकाल के ले गए सर, मोबाइल नहीं दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।